आशा कार्यकर्ता चयन मामले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खनिया थाना को मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिवपुरी का नोटिस जारी। 375 आशा कार्यकर्ताओं का करना था चयन, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खनिया थाना ने कर दिया 397 आशा कार्यकर्ताओं का चयन। खनिया थाना स्वास्थ्य केंद्र में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खनिया थाना को 375 आशा कार्यकर्ताओं का चयन करना था, जिसमें से खनिया थाना ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर ने 397 आशा कार्यकर्ताओं का चयन कर दिया। आशा पोर्टल पर एंट्री भी कर दी। इसको संज्ञान में लेते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी शिवपुरी ने ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर खनिया थाना को पत्र जारी करते हुए कहा कि आपकी पद स्थापना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खनिया थाना पर खंड चिकित्सा अधिकारी के पद इस समय आशय से की थी कि आप अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करेंगे, लेकिन आपके द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा। राज्य से आपके विकास खंड में आशय चयन का लक्ष्य 375 तय किया गया था, जिसके विरुद्ध आपके द्वारा 397 आशा कार्यकर्ताओं का चयन कर आशा पोर्टल पर एंट्री कर दी गई। इसके लिए जांच कमेटी गठित की गई। जांच होने तक आपके विकास खंड में कोई आशा कार्यकर्ता का चयन आधा हस्ताक्षर करने की अनुमति के बिना ना किया जाए। अगर ऐसा होता है तो होने वाली कार्रवाई के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। ये बात पत्र के माध्यम से मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिवपुरी ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, ये तो चयनकर्ता ही बता सकता है। सर, अभी एक मामला आया था और जानकारी में आया है कि जो आशा कार्यकर्ताओं की भर्ती हुई है उसमें संख्या से ज्यादा भर्ती हुई है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? संख्या के बारे में ऐसी कोई भर्ती नहीं हुई है, वो तो पहले से जो भर्ती हुई थी उसमें कुछ आशाएं निष्क्रिय थी, उसको अपन ने उनका करवा दिया था, बाकी का ऐसे कोई भर्ती करती है ऐसे कुछ ऐसा हुआ नहीं। और सर, जिला पंचायत जिला से भी आपको एक नोटिस जारी हुआ है इस भर्ती संबंध में, इस बारे में क्या कहेंगे? नोटिस जारी जो हुआ है वो राज्य शासन का जो नोटिस है वो तो अपन को समय समय पर अवगत कराते हैं कि उन्होंने ये अवगत कराया है कि कोई भी यहाँ जो भर्ती हो वो बिना जिला स्तर की पावती के बिना, जिला स्तर की जानकारी के बिना ना किया।